वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो एक जरूरी सूचना, जैसे बहुत से बच्चे और इवन जो टीचर्स मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जरूर जानना चाहते होंगे कि ये सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट अगर आएगी तो कब आएगी, है ना। तो 10th और 12th के जो एग्जामिनेशन प्रपोज्ड हैं 2021 में, ये तो क्लियर हो गया है कि मिनिस्टर के स्टेटमेंट से, पोखरियाल जी के स्टेटमेंट से, कि वो फरवरी में तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी जैसा लास्ट ईयर 15 फरवरी से शुरू हुए थे, 15 फरवरी तक, तो अभी फरवरी में नहीं होने वाले हैं। तो क्या मार्च में होंगे? निश्चित रूप से मार्च में होने की पूरी पूरी संभावना है। कितना गैप रहेगा, डेट शीट कब आएगी, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या प्रैक्टिकल होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे प्रैक्टिकल, क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर उसमें रहेगा, नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह, जितने भी तरह के ये इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम 2021 से रिलेटेड हैं, इन सब का जवाब देने के लिए मैंने एक वेबिनार लॉन्च की, वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा हूं मैं कल 3:45 to 4:15, यानी आधे घंटे में आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ और इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। जो अंदर की जानकारी मैंने निकाली है उसके बेसिस पर, so you have to register for that, whole process is free of cost obviously, और better coordination के लिए, arrangements के लिए ये zoom meeting रहेगी बच्चों, और आपको उसके लिए register करना होगा। student तो student category में, teacher तो teacher category में, और उसके बाद आपको उसका password और meeting ID मैं provide कर दूंगा कल दोपहर तक। ठीक है, उसके बाद आप वो जो है मीटिंग ज्वाइन कीजिए और आपकी क्वेरीज के सवाल लाइव उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो ही जरूरी सूचना रिलेटेड टू वेबिनार। टू मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आर देयर जो मैं अपने चैनल पे करना चाह रहा हूं, उसके बाद हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो बच्चों वो दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपके जो छोटे भाई बहन है जो क्लास 4 से लेकर 10th क्लास के बीच में कहीं पढ़ रहे हैं, या आप खुद पेरेंट हैं, मान लीजिए टीचर हैं तो आपके जो बच्चे हैं, तो आजकल ये देखने में आया कि बच्चा जो है घर में बंद है और उसके बाद जो है उसकी जो जनरल अवेयरनेस का लेवल है वो लो जा रहा है। और वैसे भी मोबाइल और टीवी के आने के बाद जो है जनरल अवेयरनेस जो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, जो बच्चों में होनी चाहिए, हमारे बच्चों में जो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो सामान उनको काम में लेने हैं उनसे रिलेटेड, कि कौन से सामान को कैसे हैंडल करना चाहिए वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक कॉमन सेंस और एक जनरल अवेयरनेस जो होनी चाहिए, जो कि आजकल इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक में देखने को नहीं मिलती है, तो उसके लिए मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी क्लासेस रनिंग है, उनके वीडियोज अवेलेबल हैं जो मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। कोई क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं। Each and every process is free of cost. Until I am associated with my institute, institute मुझे पैसा दे रहा है, तो मैं आपसे किसी से कुछ भी charge करने वाला नहीं हूँ. So each and every process is free of cost. Class कोई attend करना चाहता है तो आप मेरे से contact कर सकते हैं. Otherwise आप उसके video देख सकते हैं channel को subscribe करके. Channel का link जो है मैं description में post कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है और फ्यूचर ओरिएंटेड हैं ये क्लासेस। सप्ताह में सिर्फ 3 क्लास हो रही हैं और सिर्फ आधे आधे घंटे की हैं 3 क्लास, तो ये लेक्चर्स बच्चे अपनी पसंद के टाइम पर देख सकते हैं और क्लास में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो इन्वॉल्वमेंट भी पॉसिबल है। अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज देयर, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने चैनल चालू कर दिया है, क्लास 10th साइंस बाय विवेक तापड़िया, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूं। और जो भी रिलेवेंट स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th और वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए आगे के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं साइंस को, तो एडवांस या बोले डेप्थ में मैं उनको ले जा रहा हूं और उसके लेक्चर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। लाइव क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ 2-3 बच्चों की, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें जो है आप जुड़ सकते हैं चाहे तो, बहुत ज्यादा
जरूरी जरूरत आपको लगती है तो आप क्लास में जुड़ सकते हैं, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके वीडियोस आप देखकर अपने फेवरेबल टाइम पर फायदा उठा सकते हैं। जैसे बेसिक कैलकुलस भी मैंने उसमें सिखाई है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई है, बेसिक कैलकुलस सिखाई है, फिर अपने जो वेक्टर्स इनकी एप्लीकेशंस हैं बिल्कुल लो लेवल से यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करके मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और एट प्रेजेंट उसमें ऑप्टिक्स चल रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह वो सब चल रहा है, तो वो वीडियोस भी उस चैनल पे अवेलेबल हैं, वो डिफरेंट प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो थी जानकारियां, अब चलते हैं बच्चों आज के वीडियो।